नमस्कार दगड़ो, स्वागत है आपका मैं नए व्लॉग में। तो आज भ्रमण होनो इना केदार घाटी जाना। तो यह घाटी जो आप पिछले दिन आज केदार घाटी आज एक यात्रा की शुरुआत है दीदी लोग दगड़ो होनी। तो दीदी अपना नाम बता दो। मेरा नाम सविता। सविता देवी सतपली बेटे चिन्ह मैथ कक्षा मैथ यार कोरदार कोरदार है अवन मैथ मतलब गाँव कक्षा ठांगर 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 अच्छी नहीं दीदी। आप पिछले एक दीदी और छे ना। तो दीदी आप नाम बताओ जरा। मेरा नाम लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी सतपुली रहन दो। हां सतपुली। और मैथ कक्षा पर मैथ में द्वारिखाल। द्वारिखाल के गांव में बन्नी बन्नी ते द्वारिखाल लक्ष्मी ना तरफ गीते दीदी ई भी हमर दगड़ चना छिन। इना तरफ छिन हमर भाभी जी पवित्र देवी जी नैनी बेटे तो ई भी चना छिन दगड़म। अरे इना तरफ जन देवेला आश्वासल ब्लॉक्स उत्तराखंड ब्लॉक्स आश्वासा। अभी वह मतलब एक ही बात छे घुमा फिरे आण व खींचे सब बिल्कुल एकदम तैयार हुई छो हम तिरजुगी नारायणा खाने और आप बढ़िया रहे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दिखा। तरफ से हमारे बाजी सिंटी भाई सतुली वाले तो यूँ की मार्गदर्शन समाज शहर होनी चाहिए तिरजुगी नारायण का। तो भाई जी कतो देर से आप निकलना भाई आप लोग देर से चलो ठीक है। तो हम पर देर से तो बाजी वेट करना चाहिए तो निकल ला गाड़ी में बैठे फिर गाड़ी सफर पूरा हो गया और पहुंच गया हम तिरजुगी नारायण का गाँव में। अभी गाँव में छो और आप इसने देख सकते हो किना तरफ गेट से तिरजुगी नारायण मंदिर जान होना। तो सब दीदी बुले लोग पहुंच गए ना और हम भी तकना पहुंच गए। यहाँ तरफ बड़े दुकान भेजे शुरू और ये दीदी दुकान से दीदी आपका नाम क्या था। शिवानी। शिवानी अग्नि तो ये चाहिए शिवानी भट्ट जी तो ये दुकान चेकम तो एक बटे लियोला सामग्री वगैरह पूजन का। तो इना तरफ मुला थाली वगैरह थाली के हिसाब से तो कितने कितने की दीदी है थाली। 100-150 की थाली यहाँ मिलती है। तो इना तरफ यहाँ हमारे चौंध वगैरह धूपबत्ती अगरबत्ती नारियल माता श्रृंगार वगैरह सब कुछ मिल जाने का। तो इना तरफ भी खूबसूरत गांव पड़ जान तिरजुगी नारायण और ठीक बीचों बीच गांव आप देख सकते हो कि बर्फ से अच्छा चित्र मतलब डांडी काटी छी ना हर मंदिर थी हो तिरजुगी नारायण का देख सकता। ये पूर्व प्रांगण छ तो सुंदर कलाकृति आप देख सकता कितना प्राचीन मंदिर छ और डिज़ाइन देख सकते हो आप पूर्व बहुत ही अच्छो मतलब एक आर्किटेक्चर उत्तराखंड में। तो बहुत दूर दूर बैठे लोग ये दिखना कहने ना और भोलेनाथ जी दर्शन करने कहने। तो इन तरह आप देख सकते हो ये कुंड टाइप में बनी हुई तो ये हूँ बोलते हैं ब्रह्म कुंड दगड़े इना तरफ रुद्र कुंड एक छोटे से कुंड यखम भी देख सकते खूबसूरत एक कलाकारी और देख सकते हो आप। तो यखम भी एक कुंड यो विष्णु चक्र आप देख सकते हो। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिवं चारुचंद्रः वतंसं रत्नाकल्पोजलांगं परशुमिगवरः वित्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तिम मृगणे व्याधिकृत्यवसानं विश्वं दविश्वबीजं निखिलवैरं पंचमग्रहं त्रिनेत्रं। मंदिर छोटे से ना रिपोर्ट जान आप दर्शन के लिए तो इना तरफ से माता अन्नपूर्णा मंदिर है तो आप यहाँ भी दर्शन के लिए वहीं देवी का। तो एक मंदिर इना भी छोटे से उत्तराखंड टूरिज्म निर्देशांक चेक हम कि कितना अक्षांश में कितना देशांतर में ऊंचाई 1947 मीटर निकटतम दर्शनीय स्थल की छिन मधमेश्वर तुंगनाथ ओंकारेश्वर कालीमठ कार्तिक स्वामी 95, 77, 55, 52, 55, 124। तो आप ये मंदिर के अलावा इतना जगह भी घूम सकते हो सब भोलेनाथ की मंदिर छिन। ये मंदिर के इतिहास में आपसे बता दें पैडिकन बताणु छो कि भगवान विष्णु को समर्पित ये भव्य मंदिर त्यो विष्णु भगवान जी मंदिर छ। मंदिर तिरजुगी नारायण गांव में स्थित है। इसका प्राचीन रास्ता गुट्टर से श्री केदारनाथ को जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर में उसी गांव की स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है और यह गांव एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हेमवत की राजधानी तिरजुगी नारायण तो हेमवत की देश है तो वे एक राजधानी है तिरजुगी नारायण और सतयुग में भगवान शिव जी ने पार्वती से इस स्थान पर विवाह किया था। ईश्वरीय शादी के लिए यह विशाल आग चार कोनों के हवन कुंड में जलाई जाती है। सभी संतों ने शादी में भाग लिया था। विष्णु समारोह के स्वामी शिक्षक स्वयं ही थे। माना जाता है कि आग के अवशेष खगोलीय पिंड की तरह आज भी हवन कुंड जल रहे हैं। तीर्थयात्री लकड़ी जलाते हैं। यहाँ 3 युग देखने पर इसका नाम तिरजुगी नारायण रखा गया है।
इस हवन कुंड की राख भक्तों के वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का आशीर्वाद देती है। इस गांव में 3 अन्य कुंड रुद्र कुंड, विष्णु कुंड एवं ब्रह्म कुंड है। शिव पार्वती की शादी के समय देवताओं ने यहां स्नान किया था। इस कुंड का पानी सरस्वती कुंड जिसे विष्णु की नाभि से निकलता है ये माना जाता है। हमारे तो इन तरफ से पंडित जी, आपका नाम जान सो? मैं नोच नरेंद्र भट्ट। नरेंद्र भट्ट तीर्थपुर त्रियुगिनाना। अच्छा तीर्थपुर त्रियुगिनाना है। तो मैं मंदिर आपसे सूक्ष्म जानकारी लेनी चाहती, मतलब यहां मान्यता की किसी ने कौन कौन से हैं, का का बड़े लोग हैं? अच्छा ये की मान्यता है जो तो सबसे पुराना मंदिर त्रेता युग को मंदिर जो 3 युग पुराना मंदिर छ, त्यो एक वास एक नोच पड़े त्रियुगी नारायण 3 युग का नारायण छनी। और ये क्या मंदिर छ, माँ पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई है जो पहले की दक्ष की पुत्री हरिद्वार कंठखल में सती हुई है। और सती होना तो वो तो बहुत कारण था, पर दोबारा उन जन्म लेनी पर्वतराज हिमाचल का घर में माता मैना की कुख से तो भगवान नारायण था साक्षी करी था, फिर उन अपनी पुत्री को कन्यादान यम कर ठीक। और आज भी दूर दराज विदेश बटिन अपना जखा तक मतलब हर जगह बटिन यात्री हों और भगवान का ये मंडप में शादी करी थे और नारायण को आशीर्वाद लिख रही थे जानू है। ये कुंड बनया छन, ये कुंड अलग अलग महत्व छन, पहलो ब्रह्म कुंड छे और दूसरो उसके शिव को कुंड। ये दुई कुंड छन स्नान का वास्ता, आत्मशुद्धि शरीर शुद्धि का वास्ता। तीसरो भगवान को विष्णु को कुंड छे आचमन का वास्ता। चौथो सरस्वती कुंड छे वे मत तर्पण दिए जाना ना, जन अन्य जगह पिंडदान वगैरह हों ना तो एक हम तर्पण दिए वह कि मुझसे पार्वती को जोड़ा मूर्ति छे। वो जोड़ा मूर्ति वो पूजा स्थल बनी छे, जब भीड़ ज्यादा होनी तो हम पूजा वह कि मुझे धर्म के से लचे जब माता की विवाह की वेदी छे, जब शादी हुई और वह क्या बगल पर गोदान को किला छे वो हम गोदान में बराबर बराबर विवाह बराबर तो जो ये शादी कर दो मतलब ऐसा कि पुण्य मिल लो मतलब। अरे क्यों नहीं मिलेगा, धर्म करो भगवान का पूरा आशीर्वाद उसका, मतलब भगवान सेवक खुद एक स्वयं शादी भाई तो ये कारण से मतलब मानते हो कि जो ये हम शादी कर दो एक फलीभूत होना मतलब शादी हां बिल्कुल फलीभूत होता है। चलो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा धाम छियो। ठीक ठीक जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय नारायण भगवान की। मंदिर दर्शन तो मैंने आपसे करवाई लेना तीन तरफ से लक्ष्मी रोतेला दीदी तो ये भी हमारे तगड़ा है यार, लगभग लगभग यूं की ऑर्गेनाइज मतलब पूरा ये टूर ट्रिप करो छाई तो यख हम दीदी तो इन बताओ कि आप आज इच्छा क्यों होनी है, पूजा पाठ था उनके रियल लगभग है ना, तो क्या इच्छा? भजन नहीं है लेकिन थोड़ा बोला भजन भी दिखला दो इच्छा नहीं है इच्छा कुछ नहीं, मैं अरमान चाहिए छोटे छोटे बच्चों कुछ ले जाओ। अच्छा सोचो तो मैं कुछ और गिफ्ट चाहिए पर थोड़ा पैसे कमी हो गया मेरे तो मैं फिलहाल यो दियो सब अच्छा टॉफी वगैरह हां थोड़ा थोड़ा और मतलब एक हिसाब से जन करने पूजा नो ना मतलब करने पूजा हो गई भगवान टाइप में ना कितने बजे 50 बजे मैं पूजा करूं ला तो इन तरफ बच्चा छे ना और यो थे मिष्ठान वितरण वगैरह करना छो आप जितना हमसे भेज सको मतलब दीदी कनी और फिर भी हमारे सब दीदी के सब सब तरफ बैठे मतलब ना जितना भी हमारे उत्तराखंड भाई बहन छे वो उतरा बैठे सब उतरा बैठे आपके लिए पकड़ो ये चिन बच्चा और मिष्ठान वितरण सब पहले हाय कर दो सब लोग हाय करो हाय कर दो है ना। अपना अपना नाम बताओ जल्दी जल्दी आपका नाम आराध्या गुड आपका आपका ईशानी आपका राधिका आपका नाम आपका नाम सोना आपका नाम आपका नाम काव्या आपका नाम आपका नाम लाडी 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 नहीं यार चलानी पवनी अच्छा और छोटे आपका नाम आपका आपका नाम टूटू टॉफी आपके लिए ठीक है चॉकलेट है सौम्या सौम्या अरे आपके लिए तो बहुत अच्छे लग दो कि मतलब छोटे छोटे बच्चों थे हम अपन तरह बड़े जो तुम वे सकनो वो तुम मतलब खुश है पार्टी से नाचो तो अच्छी बात है। तो भैया नमस्ते। नमस्ते। तो ये जो टोकरी है ये पहले तो ये बताओ आपकी ये किस चीज़ से बनती है? रिंगाल से बुनी जाती है। रिंगाल से? रिंगाल से। तो रिंगाल बांस होता है कोई प्रजाति? बांस की। अच्छा बांस की प्रजाति होती है तो उससे खूबसूरत डिजाइन मतलब हो जाता है। तो ये किस किस काम आता है? ये सर्वप्रथम तो गोबर डालने के काम। अच्छा गोबर डालने के, घास लाने के, लकड़ी लाने के है ना। और जैसे बुजुर्ग लोग पानी का बर्तन इसमें रख के। अच्छा तो पानी का बर्तन वगैरह क्योंकि यहाँ पे रोड जर वैसी है ना। हाँ तो उसके लिए इसमें बर्तन डाला पानी का और इसको पीठ पे लगाया, ये पीठ पे बांधने के लिए 2 रस्सी और चल दिया है ना। तो इन तरफ जुड़ गए ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम क्या हुआ? नागेंद्र प्रसाद गैरोला। नागेंद्र प्रसाद गैरोला जी हैं। तो ये आप पैकिंग कर रहे हो ये बबूत की, तो ये क्या चीज़ यहाँ का मुख्य प्रसाद है? मुख्य प्रसाद यही है हमारा यहाँ का, तो इसको ले जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ जी, मतलब मेन प्रसाद यही है? यही है। चलो बढ़िया है।
तो इन तरफ वगैरह दर्शन वगैरह लोग करना चाहिए, लेकिन गर्भगृह जो फोटो वगैरह है वो अलाउ नहीं है खींचना, तो आप थे मैं गर्भगृह नहीं दिखा सकूँ। तो आप एक बटे दर्शन वगैरह वेगिन प्रसाद ग्रहण वेगिया बबोत वगैरह लिया, तो कैसा लगा दीदी आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। नारायण का मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक बार जयकार लगा दो। नारायण भगवान की जय। तिरजुगी नारायण भगवान जी के दरबार में आकर बहुत अच्छा लगा। तो अब बाबा जी खुण बोलता बाय बाय। बाबा बाबा जी आज जितने भी मेरे दर्शक छे, जितने भी हमारे भाई बहन छे, वो थे आप आशीर्वाद दिया मीन पूरी कामना कर आप लोगों को। तो आज एक टूर थे तिरजुगी नारायण मंदिर का, तो आज ब्लॉग में यख में कर दें। उम्मीद कर दो कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। गाड़ी वगैरह एक तैयार महिला शक्ति बैठ गई, उम्मीद अगर जो दीदी लोग आए वो बैठ गई गाड़ी में, तो चल छो अब जन हम रुके छो वे रिजॉर्ट में आज हम रुकन छो, मतलब आज भी तिरजुगी नारायण में रुके छो। तो मिलो छो आप तक नेक्स्ट लोगों में, तब तक जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। इन प्यार बना कर रखें, बाय बाय, लव यू ऑल।